क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पालघर जिले के विरारपुर में एक बार फिर पत्नी के चरित्र पर शक के चलते पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मामला विरारपुर जीवदानी रोड स्थित बोईपाड़ा के बालकृष्ण सोसाइटी का है, जहाँ 12 से 12:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के चलते तेज धारदार हथियार से उसके गले पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं हत्यारा पति सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। हालांकि हत्या के बाद हत्यारे पति ने स्वयं को विरार पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही विरार पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि हत्यारा पति एक रिक्शा चालक था। ये बोईपाड़ा करके एक एरिया है, वहाँ पर एक बालकृष्ण कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वहाँ पर एक इस समय उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। उसको चरित्र के ऊपर उसके संशय था और संशय के बिना पर उसकी हत्या की है उसने, ऐसा मामला सामने आया है। गुनाह रजिस्टर मतलब जो उनका बेटा है उसकी FIR दर्ज करने का काम चालू है और तपस चालू है। ये आज की घटना है, करीबन 12:15 के दरमियान ये घटना हुई है। उसके बाद में पुलिस को पता चला, पुलिस घटनास्थल गई है, जाके वहाँ पे सब जो आगे का जो इंतज़ाम लोग कर रहे हैं और उनके जो बेटे हैं उसका FIR करने का। आरोपी है वो रिक्शा चलाता है। विरार से तारिक शेख की एक रिपोर्ट।